हेलो फ्रेंड्स, एक और प्राइम वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, आपके यूट्यूब पर कोई नया चैनल आप बनाए हैं, तो कैसे वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, सबसे आसान तरीके से आज हम लोग देखते हैं। तो बने रहे हमारे इस वीडियो में, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है यूट्यूब पर, तो सबसे पहले आपको कौन सा वीडियो अपलोड करना है, आप कोई वीडियो अपना शूट किए होंगे, तो सबसे पहले अपना गैलरी में जाएंगे। जो भी वीडियो आपको शूट्स किया गया हो या तो कोई शॉर्ट्स वीडियो आपने कैप्चर किया हो, उसको आप अपलोड करना चाहते हैं यूट्यूब चैनल पे अपने, तो सबसे पहले मैं, जैसे कि मेरा देख रहे हैं, ये कैट का एक शॉर्ट्स वीडियो को मैं अपलोड करना चाहते हैं, तो उसको सबसे पहले मैं ओपन कर लूँगा अपनी गैलरी में। देख रहे हैं, ये मेरा कैट्स का शॉर्ट्स वीडियो है। उसके बाद हम अपने यूट्यूब चैनल पर चले जाएँगे, जो मेरा चैनल है, देख सकते हैं ये मेरा चैनल है जीके प्राइम वीडियो। इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखेंगे कि होम वीडियो शॉर्ट्स कम्युनिटी, जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं, तो मेरा शॉर्ट्स है, तो शॉर्ट्स पे क्लिक करेंगे। शॉर्ट्स पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं नीचे स्क्रीन पे लिखा हुआ है प्लस का साइन है, प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देख रहे हैं क्रिएट शॉर्ट्स अपलोड वीडियो, तो हमको शॉर्ट्स अपलोड करना है, तो क्रिएट शॉर्ट्स पर जाएंगे। उसके बाद मैं गैलरी का, यहाँ लोगो दिख रहा होगा, गैलरी में इंटर करेंगे। गैलरी में इंटर करने के बाद दोस्तों देखेंगे कि मेरा जो शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करना है, वो मेरा वीडियो कहाँ पे है, अपनी गैलरी में ढूंढेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं, मेरा ये जो कैट का ये जो शॉर्ट्स वीडियो था, यहाँ पे है, इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जो इसको आगे डन कर दिया, डन करने के बाद ये प्रोसेसिंग हो रहा है। उसके बाद इसमें आप अपना साउंड्स देना चाहते हैं यूट्यूब का साउंड, तो यहाँ पे ऐड साउंड्स लिखा हुआ है। यदि आपका ऑलरेडी साउंड्स है, तो इसमें आप डायरेक्ट यस का साइन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो हम इसमें एक यूट्यूब का साउंड्स देना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐड साउंड्स क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए सर्च कर सकते हैं, तो मेरा कैट साउंड है, जो कि यूट्यूब से आप साउंड्स ले सकते हैं कोई भी, तो कैट का वीडियो है, तो मैं कैट का साउंड डालना चाहता हूँ, देख सकते हैं। मैं इसको ऐड कर लिया हूँ कैट साउंड को। उसके बाद सही का साइन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे टाइटल में अपना जिससे रिलेटेड आपका शॉर्ट्स बना है, जैसे कैट है, तो कैट मैंने लिख दिया हूँ। उसके बाद आप अपना ये डाल सकते हैं हैशटैग, हैशटैग के बाद अपना शॉर्ट्स फिर डाल सकते हैं, हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स डाल सकते हैं, हैशटैग बहुत सारा है, शॉर्ट्स वीडियो डाल सकते हैं, हैशटैग शॉर्ट्स डाल सकते हैं, जो भी आप सर्च मारेंगे यहाँ पे आ जाएगा। हैशटैग ट्रेंडिंग डाल सकते हैं, हैशटैग वायरल डाल सकते हैं, हैशटैग रील्स डाल सकते हैं, और हैशटैग ना जिससे रिलेटेड शॉर्ट्स है उसको मैं डाल दिया हूँ। आप अपना यहाँ पे इसका चाहेंगे तो आप डॉग है, कैट है, या जिससे भी रिलेटेड है उसका आप इमोजी भी लगा सकते हैं, मैंने कैट का इमोजी लगा दिया हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको जो है पब्लिक ही रहने देना है, यदि आप करना चाहते हैं अनलिस्टेड करके भी आप अपलोड कर सकते हैं, या पब्लिक से भी डायरेक्ट आप आसान तरीके से अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, सेलेक्ट ऑडियंस में आपको जो है यहाँ पे नो इट्स नॉट फॉर किड्स में आपको टिक करना है। उसके बाद फिर अपलोड शॉर्ट्स, बस यहाँ पे क्लिक कर देना है, सबसे आसान तरीका से। आप देख सकते हैं इसे अपलोडिंग हो रहा है कि नहीं आपका वीडियो, आप देख सकते हैं, देखिए अपलोड हो रहा है, प्रोसेसिंग हैज स्टार्टेड। दोस्तों ये जो है सबसे आसान तरीका से मैंने बताया हूँ शॉर्ट्स को अपने YouTube चैनल पे कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यदि इस वीडियो से आपको हेल्पफुल लगा दोस्तों, तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्राइम वीडियो में।